be huggy. अपनी रील अपलोड जो कि मैंने एडिट करी है, मेहनत पूरी मेरी है, लेकिन वहाँ वहाँ लाइक चली जाएगी। कोई बात नहीं, ले जा वहाँ बन रही है चाय, चाय की खुशबू ऐसे जाके ऐसे ट्रैवल करके नाक में घुस चुकी है, इसलिए दो बिस्किट लेने जा रहा हूँ। जी वाला हमने ऐसी नजर से देखा है, लग रहा है कि आज कुछ कुछ हो जाएगा। फोन खो गया ना, लेकिन एक चीज की मेरे को दुख कम है, एक चीज का जो फोन के पीछे 500 की पत्ती थी ना दो, वो एटलीस्ट मैंने दोनों यूज कर ली तो वो पैसा बच गया मेरा। तो यार पुलिस के पास जाना चाहिए यार। तुम प्यार से खेला करो उसके साथ यार, ये क्या बात है। सॉरी मेरा बच्चा, मिलो कुछ दी थी तो प्यार से बेटा। हाँ दीदी ने कुछ किया। पीहू पीहू हमें पहले बोलना है पापा, मम्मा नहीं बोलना, पहले क्या बोलेंगे पापा पापा पापा। रशी ने पहले पापा बोला था तो मधिक तो पूरी कोशिश करेगी पीहू पहले। तू लिखते कैप्शन मुझसे लिखवा रही है, मतलब जीरो मेहनत है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनी बैठी है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स लेके क्या कुछ। मैं कोई इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मतलब मैं भाई मैं तो फिर मैं ही हूं ना भाई। भैया चाय अभी गई, 10 रुपए ला बॉडी से लेगा। ये बेसिक खत्म हो गया क्या ये वाला विदेश? अरे भाई घर पे चाय बनी है, बता कैसे पियेंगे। मूड ऑफ हो गया यार। बिस्किट कितने का ये? 5 रुपए एक ही वाला क्या चाय। फिनिश मैं बाइसेप वर्कआउट, अगर आपके पास बाइसेप ट्रेन करने के लिए जिम में टाइम नहीं है, मैं बस एक वर्कआउट बताऊंगा, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, फिर आप बाइसेप डन कर सकते हैं। सो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस रैक, 10, 15, 20, 25, 30, 10 रेप्स मारे इसके, देन रख दिया 60 सेकेंड्स रेस्ट, 10 रेप 60 सेकेंड रेस्ट, इससे 8 निकल रहे ठीक है, 8, 6, तो सब में 60 सेकेंड रेप्स। लास्ट वाला मारा हैवी 60 सेकेंड्स की जगह, लास्ट वाले में आपको 2 मिनट्स रेस्ट लिया, देन कीप इट। उसके बाद वी स्टार्ट अगेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा एज मेनी रेप्स पॉसिबल नो रेस्ट, फिर इससे एज मेनी रेप्स पॉसिबल नो रेस्ट। तो नाउ आई एम डिक्रीजिंग द वेट, तो एक तरीके का ड्रॉप सेट हो गया। सो मैंने पहले बिल्ड किया वेट अप एंड देन वेट डाउन, तो इसमें आप इतना टाइम अंडर टेंशन निकाल देंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड आपने एक बड़ा बॉडी पार्ट किया, छोटा बॉडी पार्ट का टाइम कम है, जस्ट डू दिस एंड यू आर डन फॉर द डे। वर्कआउट इज डन, कार्डियो हो चुका है। 16th of March यानी कि आज आ रही है बंपर होली सेल, जो कि आपको 33% से लेकर 37% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं साइड में लगा दूंगा कब किसको ऑफ मिलेगा, बट मैक्सिमम अगर आप 15,000 तक खर्च करते हैं, फ्यू बाइंग द बल्क महिंद्रा का सामान ले रहे हैं, सो 37% ऑफ ऑन माई प्रोटीन होली सेल। हैप्पी होली एंड एंजॉय द सेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड है एज यूजुअल गौरव। आप भी चलोगे? व्हाइट वाली बाइक पिछली बार हमने मंगाई थी, पूरी बाइक में हमारा गोप्रो का हेलमेट, मतलब गोप्रो नहीं चला था, आवाज ही आई पूरा ब्लॉग। पापा ने दिलाई नहीं थी, लग रहा है पानी होता है क्या? पानी होता है थोड़ा, खाने में 120 का डजन खाने के लिए होता है यार। बेर 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 खाते थे, ये चूरन है, बेर खा ले एक टेस्ट करके देख लो। तो हम बहुत खाते थे स्कूल के बाद, हम सेम में करने लगते हैं 5 रुपए का वो छोड़े, जल्दी उससे बोले ना फिर बच्चे का वो अंधेरा हो जाएगा। ये कह रहे हैं इसको काटेंगे तो इसमें से 3 ऐसे निकलेंगे ये वाले। ओ और खाना कर ली क्या है? ये खाते हैं, ये है क्या कहते हैं, इमली 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 है, अच्छा कच्ची इमली है, वो नहीं बादाम बादाम कच्चा बादाम बादाम वैसे ही कच्ची इमली इमली। ये देखो ऐसा होगा, तो ये देखो भैया निकाल रहे हैं, ये देखो वो कटहल टाइप नहीं होता, निकाल ले हाथ से, निकालने का छिलका उसका, हां क्या रुक तो जा, क्या बोलते हैं इसको भैया, ताड़ गोला बोलते हैं, ताड़ गोला प्लेन है, सिंपल है। हमारे घर के बहुत पास है, तो सुनो सुबह नहाने यही करेंगे, घर का पानी बचेगा हमारा यार। क्या बना मैं खाऊंगा ये? कौन खाऊंगा मैं? मैं भी। कितने का है? 40 रुपए का, ये बड़ा वाला उबला हुआ है, उबला वाला
ये वाला कर दो ये टाई दे रहे 50 का लेना है ले लेंगे आप 50 हां ले लेते हैं अब तो दीदी ने कितना अच्छा कर रहा है भाई होटल में इसकी भाई कैसे अच्छा ये आपके पास वो है इसमें अच्छा नीचे की मिट्टी गीली है अच्छा नीचे का मीठा पानी है ना हां 1.5 2 फुट गोलो डीजल पानी है अच्छा सब लोग बना रहे अपना यार कितना अच्छा है ना अरे सही पिकनिक स्पॉट नहीं रही तू दीदी वो भी है क्या इसमें जीनी वाली उड़ती है जो वो वाली है आपके पास क्या जो चटाई उड़ती है जो अलादीन वाली वो नहीं है नहीं उड़ता मिल जाए लो बैठो चलाइए थैंक यू लाओ और तू पानी भर ला इसमें प्लीज रशिक रील बना लो एक रशिक रील बना रील सुन रही हो तुम्हारी प्रोफाइल कौन सी है भाई है। जरूर है पापा की है वो मैं पानी लेने आपने करा क्या पानी का यहाँ पे बे वेस्ट कर दिया आपने पानी समुद्र का पानी ऐसे खत्म हो जाएगा बेटा इतनी मिट्टी में इतना सा पानी क्या बेटा समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा जाने से हमें पूरा भर के आना इस बार पानी भरना इसमें ऊपर ऊपर से वेलकम फर्स्ट पूरा ही भरा था रास्ते में गिरता रहता है ये लो वेस्ट ना करो लाइम सोडा पियेंगे लाइम सोडा की दुकान पीछे क्या करा तू टेम्पो लीन है यार वो बंजी जंपिंग खड़े हैं बहुत बढ़िया बनाया एयरप्लेन वो प्लेन को मैंने बनाया मैं आप बताओ क्या बात कौन बैठता है याद करो पता नहीं याद करो मैम ने पढ़ाया था स्नेल स्नेल ये शेल है प्रणाम कर रहे थे समुद्र भगवान को हाँ बेटा हमें भी करना चाहिए इनको ना हाँ समुद्र देव को राम जी ने प्रणाम किया था जब उन्होंने अपना ब्रिज बनाया था बेटा भाई घर पे रेत रेत कर देगी यार हेलो भाई हेलो भैया जरा तेज घुमा कर अच्छा लगे इनको जरा हाँ हाँ खा लेते हैं ये क्या है सेब भेल पूरी भेल की होती है सेब पूरी जो वो खाई थी उसमें बनती है जो गोल गप्पे हाँ गोल गप्पे बोलूं गोल गप्पे बोलूं हाँ छोटा गोल गप्पे से छोटा है तू खुद मुंह में को छोड़ने लगा ना पानी असली में मतलब पानी आ जाता है दे दो जितना बना अपने दे दो नहीं जा रहा ये ले मैं खाऊंगी को पीछे मजा आ गया भाई दो तरह में रेत भर रहा है बेचा जाके वो रशी अपने खिलौने छुपा रही मैं कह रशी घर लेके नहीं जाएंगे बहुत मिट्टी है तो कहती है छुपा देती हूँ कल आके खेलो मेरे क्या कर रही हो लेकिन नित्तू जैसे छुपाए ना इसने मुझे पता क्या याद आया तो गाइस पता नहीं कि मैं बताया कि नहीं मेरी दादी दादा दे केम फ्रॉम देरा इस्माइल खान जो कि अभी पाकिस्तान में है तो जब पार्टीशन हुआ था तो वो लोग यहाँ से आए थे तो मैंने एक बार पूछा था दादी से दादी आप लोग क्या थे आप छोटे में कहाँ खेलते थे तो बताते यार किसान थे बट मोर ऑफ दूध निकालने वाला किसान डेयरी किसान तो जमीन थी घर में बहुत सारी गायें थी भैंसे थी बहुत बड़ा घर था वहाँ का तो जब बंटवारा हुआ तो कहती मेरे पास ना मेरी दादी की सास ने मतलब बहुत सोना दिया था उनको भी बहुत सोना दिया था तो काफ़ी सारा था और काफ़ी पैसा भी था तो कहता जब हुआ कि जाना है तो पीछे घर के आंगन में खोद के छुपा के आ गए थे कि उस समय पता नहीं चला लोगों को कि क्या हो क्या रहा है सबको ये लगा था वापस आएंगे हमारी जगह लेके आएंगे वापस जब आएंगे तो ले जाएंगे तो फिर जब यहाँ पे आए हिंदुस्तान आए तो कहते बस सब दादा तेरे कुर्ता पजामा पहन के आए थे मैं दोनों जोड़ी कपड़े लेके आई थी और मतलब
मतलब बस ऐसे ही आ गए थे हम, कुछ नहीं आया, सब वही छूट गया, यहाँ से फिर से शुरुआत करी। बेटा नाना ने भी मेरे को सेम बताया था, नाना सब वहीं पे छोड़ के आए। तो माय नाना व्हेन ही वाज कमिंग बैक, तो माय नानास डैड ही वाज शॉट ऑन द बॉर्डर, तो वहीं पे क्रियाकर्म करके उन्होंने कहा था कि अस्थियां उनकी बहाना यहाँ पे इंडिया में। छोटे थे मेरे नाना, मतलब 10 साल के होंगे, तो कहते अपने फादर की अस्थियां में लेके आना। बाद में आके ले जाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही यार। ऐसे पूरा ही छुपा दिया यार तूने तो बेटा। क्या पगली बच्चे कितने नायब होते हैं यार। बेटा वो कैसे छुपाओगे बेटा, उल्टा इसको हटा दो ताकि कोई और यूज कर सके। रशी आपका नाम लिखा है, कलर दिया क्या तो खट्टी में खा रही ब्लॉग में कहेंगे रोज। हाँ हाँ अरे तो मैम खुशखबरी है, खा नहीं पाओगे रशी, खट्टी होगी बहुत। नहीं गरम ये कैरी है, कैरी में नाटी तो नहीं है। नाटी बोले रशी थोड़ी सी पापा को दे दे यार, खट्टी है नीचे तो ना। और जब खुद खा रही हो तो खुद तो खट्टी नहीं लगता। चलो भाई अक्सा बीच हो गया, अभी हमें जाना पड़ेगा चाचा की चाय पीने। अक्सा बीच घुमा दूँ वहाँ चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूँ वहाँ चलती क्या, तो सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना भाई। आई लव ट्रैफिक यार, आई लव ट्रैफिक एंड आई लव प्रॉब्लम्स। आई डोंट वांट एन इजी लाइफ, आई वांट ट्रैफिक एंड आई वांट प्रॉब्लम्स। पायलट्स को स्पेशली ट्रैफिक से बहुत लगाव होता है, आपको बताता हूँ कैसे। तो हम लोग को बहुत आदत होती सुनने की, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो बेसिकली क्या होता है कि जब जहाज़ में आप फ्लाई करते हैं, खुफिया रास्ते से निकालने की कोशिश, जहाज़ में जब आप फ्लाई करते हैं तो 1000 फीट का डिफरेंस होता है लेवल में। मतलब अगर 30000 फीट पे है तो अगला प्लेन देखो लगे ना 31000 पे निकलेगा, या तो नीचे से 29000 से निकलेगा 29000। तो कभी कभी कहते हैं कि इतना एक्यूरेट नहीं होता है आपका ऑटो पायलट बाकी सिस्टम्स, मतलब आप 100 फीट ऊपर अगला वाला 100 फीट नीचे, तो आपके बीच का डिस्टेंस बचेगा 800 फीट। तो क्या है कॉकपिट में एक वार्निंग आ जाती है ट्रैफिक ट्रैफिक कि मतलब आपके आसपास ट्रैफिक है, तो कोलिजन होने के मतलब आपको देता है कि हाँ संभल के जरा। तो उस केस में कहता है दो पायलट जब फ्लाई कर रहे होते हैं ना तो एक को बोलना होता है मोस्टली कैप्टन टीकैस आई हैव कंट्रोल। तो ठीक है सर ट्रैफिक कोलिजन है भाई, तो रॉन्ग साइड ना आ जाओ ट्रैफिक ट्रैफिक हो जाएगा हमारा यार। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, दो लोग जब फ्लाई करते हैं ना तो कभी कभी कहता है कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच चल रहा है, बॉल हवा में, दो फील्डर दौड़ रहे हैं, अब दोनों में कंफ्यूजन होगा भाई किसका कैच है। तो अगर एक कॉल होती है ना, कॉल देनी होती है माय कैच और माय बॉल व्हाटएवर, तो ठीक है आई कंट्रोल, मतलब पायलट अनाउंस कर देता है कि हाँ भाई अगर कुछ होता है एक्शन की जरूरत पड़े तो आई हैव कंट्रोल्स आई विल डू इट। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कुछ हो जाए और वो सोचे कि वो बंदा फ्लाई कर रहा है, वो सोचे वो बंदा फ्लाई कर रहा है, कोई कुछ ना करे और धुन में भागता हो जाए। अरे बंदा क्या चलेगा नहीं क्या, अरे भाई चल ले, अरे चचा तुम दो यार जिंदगी निकल गई। अबे ये ले एक पार्किंग करके चला गया ऋतु यहाँ पे, ये पार्किंग कौन कर गया यहाँ पे भाई, पार्किंग करके चला गया कोई गाड़ी यहाँ पे यार, भैया फंसे इसके पीछे हम फंसे पूरी पूरा ट्रैफिक, बड़े बेवकूफ लोग हैं यार। नहीं तो लोग भी यार, किसका गाड़ी है किसका गाड़ी है, अरे कहाँ लगा दी भाई तुमने, स्टार आदमी है भाई। टीकेस हो गया, टीकेस के बाद आता है आ रही मतलब रेजोल्यूशन एडवाइजरी, कि अगर हाँ ज़्यादा डिस्टेंस कम होता है 800 फीट से फर्क नहीं पड़ता, मतलब हाँ 500-400 कि अब एयरक्राफ्ट को लगे कोलिजन होने वाला है, तो दोनों एयरक्राफ्ट क्रॉस स्टॉक करते हैं और दोनों मतलब अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा पाथ देते हैं कि हाँ कोलिजन ना हो, तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन एडवाइजरी। तो उसमें बोलता है फिर क्लाइम क्लाइम डिसेंट डिसेंट, तो आप वो मैनूवर करके ऑटो पायलट ऑफ, फ्लाइट डायरेक्टर्स ऑफ, क्लाइम क्लाइम एंड यू फ्लाई वट एवर एरिया इट शोइंग यू। तो पहले जब हम लोग फ्लाई करते थे तो वो पूरा मैनूवर मैनुअल होता था, बट अभी क्या है तो एयरक्राफ्ट खुद ही फ्लाई करता है। मेरे को बीच में एक बंदा मिला, कहता सर आपकी शूटिंग कैसे जारी शो की, मैंने कहा बहुत बढ़िया, कहते सर फुल सपोर्ट है आपको, मैं आपके लिए वोट भी कर रहा हूँ, मेरे को वोटिंग तो हो ही नहीं रही भाई। मज़े आ जाते हैं भाई इतने ट्रैफिक में यार, क्या बताऊँ मतलब इतने मज़े आते हैं, इतने मज़े आते हैं, इतने मज़े आते हैं, क्या बताऊँ। मेरे को तो दिन भर गाड़ी चलवा लो यार ट्रैफिक में दिन भर। उल्ले अवावी वकानसी, उल्ले अपना नेखनसी। रशी देखो फिश मार्केट देखो, आते हुए कहते हैं ना फिश की स्मेल आ रही है, देखो 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 ऐसा पसा रेंजर रहता है तेज में, कुछ छाती तक हवा मार रहा है।
लेकिन मुंबई में यहाँ ऑटो का हिसाब किताब बहुत सही है। दिल्ली में तो अगर बैठ भी जाओ तो मांगते हो 100 रुपये ही आप, फिर अपने हिसाब से बोले यार ऐसे के लिए नारियल तेल है छोटी बोतल। भैया बिस्किट बिस्किट दो बिस्किट फटाफट फटाफट, ये रहे ना घर पे चाय पियेंगे। बहुत बढ़िया बिस्किट है आपके, कैसे पकड़ो इसको, मुँह पकड़ लेता हूँ। चलो 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 भैया पूरा खोल दो। पनिशमेंट का डर है। क्या कर रही हो, क्या थूक क्यों निकाल रही हो? मैं थोड़ा घी देना। क्या होगा थूक निकाल कर रशी? निकाल ले दो। क्या हो गया मम्मा इसको? चॉकलेट खाई थी। किसने चॉकलेट दी? इसने चॉकलेट मुंह में दबका ली। जब दबकाने लगी मैंने इसको साफ साफ एक्सप्लेन किया कि रशी नहीं खा सकते, स्टॉप, बट जल्दी जल्दी खा ली तब तो। मैंने इसको तभी पनिशमेंट दी थी। सिर्फ पनिशमेंट पे, मैं कहा पनिशमेंट मिलेगी कि फोन नहीं मिलेगा आज और कल खाने के साथ, तो खाना तो मिल रहा है, वरना सोचो ये पनिशमेंट होती खाना नहीं मिलेगा। अभी रो रही थी तो ये चॉकलेट निकाल रही है, कह रही मैं चॉकलेट निकाल रही हूँ, ये फोन दे दो। आज के पनिशमेंट है लेकिन कल की माफ हो सकती है। रशी एक्सेप्ट कर ले, रशी ले ले। तेरी दीदी के पनिशमेंट में मजा आ रहा है, मजे आ रहे हैं। हां लगता है कोई ले तो नहीं जाएगा, नहीं ले जाएगा। हां कोई मां रशी है ना, देखते हैं चलो। क्या ले पापा की खाई हो।